हमने भ्रम करने की कोशिश की है, वो भी सत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है, और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते, यहाँ रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है उसके बाद वो हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना, और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, अधूरा सत्य है। यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए इन्होंने 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है, वैसी चर्चा से भाग कर आज बात कर रहे हैं कि उसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़ अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज़ में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज़ घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष के आज बैठे हैं यहाँ धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जिसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मणिपुर जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करके पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की, और इंडिया के विपक्ष आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय। ये महिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री।